कलीसिया के इतिहास में मार्टिन लूथर का नाम कौन नहीं जानता। जिस जर्मनी ने हिटलर जैसे क्रूर व्यक्ति को पैदा किया, उसी ने जॉर्ज मुलर और मार्टिन लूथर जैसे विश्वास के योद्धाओं को भी उत्पन्न किया। मार्टिन लूथर 10 नवंबर 1483 में इसलबेन पूर्वी जर्मनी में पैदा हुआ। क्योंकि वो संत मार्टिन का दिन था, इसलिए उसका नाम भी मार्टिन ही रख दिया गया। वह 8 भाई बहनों में दूसरे नंबर का था। उसके पूर्वज बड़ी मेहनत करने वाले किसान लोग थे। उसके माता पिता मार्गेट और हैंस ने उसे परमेश्वर के भय में रहना सिखाया। मार्टिन लूथर को मसीह के नाम से ही डर लगता था, क्योंकि उसे मसीह एक कठोर व क्रोधी न्याय के रूप में बताया गया था। वह एक शर्मीला लड़का था। मार्टिन लूथर 6 वर्ष की उम्र में पढ़ने गया। उसे माँ बाप व शिक्षकों की सख्ती का सामना करना पड़ता था। उसे अपने स्कूल के दिनों में 1 साल तक भीख मांगनी पड़ी। उसके पिता उसे वकील बनाना चाहते थे। जब वह 18 वर्ष का था, तब वह एरफुर्ट विश्वविद्यालय में पढ़ने गया। क्योंकि वह बहुत बातें करता था, इसलिए वहाँ उसका नाम फिलोसोफर दार्शनिक पड़ गया। वह बहुत होशियार, धार्मिक और बातूनी था। उसके गाना गाने व बजाने की कला के कारण जल्दी ही वो विद्यार्थियों के बीच में जानने लगे। एक दिन अनायास ही उसे एक बाइबल मिल गई, क्योंकि वह परमेश्वर व सच्चाई को जानना चाहता था। इसलिए उसने उसे बहुत ही ध्यान से पढ़ा। 1505 में जब वह कानून का अध्ययन कर रहा था, तो 2 जुलाई को जब वह अपने माँ बाप से मैंसफील्ड में मिलकर हरफर्ड को लौट रहा था, तब एक आंधी में गिर गया। बिजली उसके इतनी नजदीक चमकी कि उसने सोचा कि अब वह मर ही जाएगा। संकट के कारण उसने संत अन्नी को सहायता के लिए आवाज दी और यह प्रण किया कि यदि वह उसकी सहायता करे तो वह भिक्षु बन जाएगा। पहले भी वह खतरों से गुजर चुका था, जैसे बचपन की गंभीर बीमारी, एक मित्र की आकस्मिक मृत्यु व विद्यार्थियों से लड़ाई के दौरान तलवार की चोट। 16 जुलाई 1505 में लूथर अगस्टिन आश्रम में भर्ती हो गया। इस समय उसके दोस्त 2 दिन तक दरवाजे पर उसकी राह देखने रहे, पर लूथर नहीं लौटा। अप्रैल 1507 में वह पादरी बन गया। मई में जब उसे पहला मास दिया गया, तो उसे एक बाइबल भी मिली। इसी समय उसके पिताजी उससे मिलने आए और कहा, क्या बाइबल में नहीं लिखा कि तू अपने माता पिता का आदर करना। परंतु लूथर ने अपनी हट नहीं छोड़ी। उसे आश्रम में शांति की आशा थी, पर वहाँ नहीं मिली। इसलिए उसने शांति व सच्चाई जानने के लिए रातों को जाग जाग कर उपवास रख रख कर बड़ी मेहनत से बाइबल पढ़ा। सन 1512 में डीडी की डिग्री लेने के बाद वह विटनबर्ग में प्रोफेसर बन गया। वहां वह बाइबल का परमेश्वर शास्त्र पढ़ाता था। उसे यूनानी, इब्रानी और जर्मनी भाषाओं का ज्ञान था। एक दिन इन्हीं कक्षाओं को पढ़ने की तैयारी में रोमियो 1:17 ने उसे झकझोर दिया। यहाँ लिखा है, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। यही सच्चाई आगे चलकर लूथर के धर्म सुधार आंदोलन का मुख्य सिद्धांत बन गई। धीरे धीरे बाइबल अध्ययन से लूथर को धर्म सुधार की आवश्यकता महसूस होने लगी। एक बार जब वह रोम गया, तो हालात देखकर दंग रह गया। उसने रोम को वेश्या करार दे दिया। 1511 से अब तक वह आश्रम में ही प्रचार करता था, पर 1514 से वह आराधनालय का प्रचारक बन गया। यहाँ वह बड़ी सुंदरता व गहराई से धर्म शास्त्र को आम लोगों को समझाता। 1515 में वह विकर बन गया। जब भी उसे तत्कालीन धर्म शिक्षा में कुछ भी धर्म शास्त्र के विपरीत लगता, तो वह उसका विरोध करने से नहीं डरता था। धर्म शास्त्र पढ़ते ही पढ़ते लूथर का स्वयं का विश्वास से नया जन्म हो गया और उसका जीवन बदल गया। अब वह मसीह में नई सृष्टि था, पोप का गुलाम नहीं। अब उसकी शिक्षा व प्रचार का केंद्र बिंदु बाइबल थी। उसने बाइबल के लिए कहा, जैसे भेड़ों के लिए चरवाहा, मनुष्य के लिए मकान, चिड़ियों के लिए घोंसला और मछलियों के लिए जलधारा, उसी प्रकार एक विश्वास योग्य आत्मा के लिए बाइबल है। इसी दौरान दूसरे पादरी इंडलजेंस से पैसा कमा कमा कर अमीर बनते जा रहे थे। इंडलजेंस का मतलब ये था कि पोप के नाम से लोगों के पापों की क्षमा के लिए पैसे देने पर एक पत्र जारी किया जाता था कि उनके पाप माफ हो गए हैं। उन दिनों रोम में संत पीटर के चर्च का पुनर्निर्माण चल रहा था। उसके लिए बहुत ही धकड़ इंडलजेंस दी जा रही थी। लूथर ने इसका कड़ा विरोध किया। इंडलजेंस के पैसे जमा करने वाले दलाल लोगों से यूं कहा करते थे, जैसे डिब्बे में आपके पैसे कन बोलते हैं, वैसे ही विश्राम स्थल में आत्माएं स्वर्ग में चली जाती है।
लूथर जानता था कि लोग विश्वास से धर्मी ठहरते हैं, ना कि पैसे देने से। इसलिए उसने ऑल सेंट्स चर्च विटनबर्ग के दरवाजे पर 95 सूत्रों का पर्च ठोक दिया। यह काम 31 अक्टूबर 1517 में ऑल सेंट्स डे के दिन में किया गया था। पहला सूत्र ये था कि प्रायश्चित का संबंध व्यक्ति के सारे जीवन से है, तथा 62वां सूत्रानुसार सुसमाचार मंडली का सच्चा खजाना है। अंत में उसने झूठी शांति की, जो इंडलजेंस से प्रभाव में आती थी, विरोध किया और कहा कि व्यक्ति के पास पैसे से नहीं, पर व्यक्ति के प्रायश्चित और मसीह के क्रूस के बलिदान पर विश्वास से दूर होते हैं। इसकी कॉपियां आर्क बिशप मैंच व औरों को भी भेजी गई। जल्द ही ये बात जनता के विवाद का विषय बन गई। आर्क बिशप मैंज ने ये पत्र रोम के पोप को भेजकर यह मांग की कि लूथर को इस काम के लिए मना किया जाए और इंडलजेंस बेचने वालों को भी चमकाया जाए। मार्च में जब इसकी कॉपियां विटनबर्ग में पहुंची तो विद्यार्थियों ने इन्हें जला दिया, परंतु लूथर को मालूम था कि कैथोलिक मंडलियों में कई लोगों के विचार उसके जैसे ही थे, पर वे बोलने से डरते थे। लूथर की जान खतरे में थी, क्योंकि ब्रैंडनबर्ग के बिशप ने तो यहां तक कहा था, जब तक मैं डाली की तरह लूथर को भी आग में ना फेंक दूं, तब तक मैं शांति से नहीं बैठूंगा। लूथर के भी कई समर्थक बन गए और इस प्रकार दो पार्टियां बन गईं। लूथर ने कहा, जो होना है सो हो, पर मैं रोम से संधि नहीं करूंगा। उसकी इन तीन किताबों ने तो क्रांति ला दी। एन एड्रेस टू द नोबिलिटी ऑफ जर्मन नेशन, ऑन द बेबिलोनियन कैप्टिविटी ऑफ चर्च ऑफ गॉड, ऑन द लिबर्टी ऑफ क्राइस्ट एंड मैन। उसने एक और किताब लिखी, अगेंस्ट द बुल ऑफ एंटीक्राइस्ट। बुल का अर्थ है पोप की आज्ञा। इसमें उसने पोप को क्रिस्ट विरोधी बताया था। पहले तो पोप ने सोचा ये किसी शराबी की शरारत है, पर सच्चाई मालूम पड़ने पर उसने लूथर को डाइट अर्थात राज्य परिषद के सामने उपस्थित होने को कहा। 60 दिन का समय दिया गया था। इस पर लूथर के दोस्तों ने उसे जाने से रोका, पर उसने कहा, मैं नहीं भागूंगा। मैं जानता हूं कि ये मेरे खून के प्यासे हैं, पर मैं चाहता हूं कि मेरा खून इन्हीं के माथे पड़े। अप्रैल 1521 में भारी भीड़ की उपस्थिति में डाइट ऑफ वर्म्स धार्मिक अदालत में हाजिर हुआ, जहां दुनिया के दिग्गज धार्मिक नेता बैठे थे। उनका कहना था कि जो विचार लूथर ने व्यक्त किए हैं उन्हें वापस ले, परंतु लूथर ने कहा, परमेश्वर के वचन ने मेरे विवेक को छू लिया है। मैं कुछ भी ना वापस ले सकता हूँ और ना ही लूंगा, क्योंकि हमारा विवेक के विरुद्ध काम करना ना ठीक है ना खतरे से खाली। मैं इसी बात पर अटल हूँ, इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कर सकता। परमेश्वर मेरी सहायता करे, आमीन। यदि धर्मशास्त्र या और पुख्ता कारणों से मुझे मेरी गलती का एहसास करा दिया जाए तो मैं अपनी बात वापस लेने को राजी हूँ। इसकी इस दृढ़ता के कारण अदालत ने यही निर्णय लिया कि लूथर को नियमों का उल्लंघन करने वाला व कानूनी की रक्षा से वंचित व्यक्ति घोषित कर दिया जाए। उसके लोगों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। सम्राट ने उसे 24 घंटों के अंदर अंदर वर्क्स को छोड़ देने की आज्ञा दे दी। फिर उसे सेक्सनी के फ्रेडरिक के घर, जो वार्टबर्ग किले में रहता था, शरण मिली। यहाँ उसने नए नियम का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। उसने अपने अनुवाद के शिक्षकों का वर्णन इस प्रकार किया, मेरा शिक्षक गृहणियां, खेलते बच्चे और चौपड़ों के व्यापारी थे। इन्हीं से उसने सीखा कि कैसे अपनी बात कहे। कुछ ही समय बाद उसने कहा कि वह किसी संसारिक राजा के संरक्षण में रहना नहीं चाहता, उससे कहीं अधिक शक्तिशाली अपने गुरु मसीह की शक्ति में विश्वास करके बिना दूसरों को जोखिम में डाले एक मसीह बनकर रहना चाहता हूँ। सन 1520 में उसने कई लेख लिखे जिनकी बहुत मांग थी। ऐसा प्रतीत होता था मानो वह अपने आप को ही अपने लेखों में उतार देता था। इन लेखों में उसने रोमी चर्च के मुकाबले में अपनी प्रतिरक्षा की बातें लिखी थी। इन लेखों ने मानव जाति का इतिहास बदल दिया। उसने अपनी भाषणों में व लेखों में स्पष्ट कर दिया कि उसने तात्कालीन कलीसिया से हमेशा के लिए नाता तोड़ लिया है, और पोप ना तो सबसे बड़ा है और ना ही उसकी आज्ञाएं विश्व से परे हैं। परिणाम स्वरूप बहुत से भिक्षु आश्रमों को छोड़कर वापस आम आदमी बन गए और अपने जीवन को मसीह को अर्पित किया। कई बार धर्म के नेताओं ने लूथर को बुला बुला कर पूछा कि शायद उसने अपने विचार बदल दिए हैं, पर हर बार लूथर ने मसीह में उसके विश्वास का इजहार किया। 13 जून 1525 को लूथर ने कैथरीन वान बोरा नामक भिक्षुनी
एक नन से शादी कर ली। उनकी शादी की अंगूठियां पर यह लिखा था, जिन्हें परमेश्वर ने जोड़ा है उन्हें कोई मनुष्य अलग ना करे। उनके 6 बच्चे हुए। शादी से लूथर के व्यक्तित्व में निखार आ गया। लूथर ने मंडलियों में समय समय पर पादरियों के दौरे की व्यवस्था बनाई और कुछ योग्य पादरियों को मार्गदर्शन दिया कि वे दूसरे पादरियों के लिए कुछ निर्देश बनाएं। उसने मंडली में उपदेश देने की प्रथा पुनर्धार किया और सार्वजनिक स्कूल भी खोले। सन 1537 में बीमारी के एक गंभीर झटके के बाद वह कभी भी पूरी तरह संभल नहीं पाया। मरते समय उससे पूछा गया, क्या अब भी तुम वही विश्वास करते हो जो तुमने जीवन भर सिखाया? उसने कहा, हाँ। मरते समय उसने बाइबल के इस पद को 3 बार बोला, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। उसकी मृत्यु 18 फरवरी 1546 में आइजलबन में हुई, जहां वह पैदा भी हुआ था। यीशु नासरी के बाद यही एक व्यक्ति है जिस पर सैकड़े किताबें लिखी गई है। उसे भविष्यवक्ताओं और कलीसियाओं के खंभों की श्रृंखला में एक खंभा माना जाता है। वह एक व्यक्ति था। वह अपने बारे में कहता था, परमेश्वर कड़क लट्ठों को फाड़ने के लिए कड़क कुल्हाड़ी का ही प्रयोग करता है। उसमें अंदरूनी चमक, मानवीय उदारता, संवेदनशील और भावुकता थी। वह फूलों और जानवरों से प्रेम करता था, परंतु विरोधियों की फटकार में उसकी भाषा में कुछ हिंसा का रेश था। वह जन्मजात वक्ता और ना थकने वाला लेखक था। वास्तव में उसका व्यक्तित्व उत्कृष्ट था। उसने 37 गीत भी लिखे। उसके विरोधी मानवतावादी इर्समस ने कहा था, लूथर ने 2 ही गलतियां की है, एक तो उसने पोप के माथे पर चोट की है और दूसरा भिक्षुओं के पेट पर लात मारी है। उसकी मौत के समय उसके पलंग के पास की दीवार पर मरते मरते उसने यह लिखा था, हे पोप, जब तक मैं जिंदा था तो तेरा नाजुर था, पर जब मैं मरूंगा तो तेरी मौत होऊंगा।